हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इसी वीडियो बताऊंगा मैं अपने रीजंस क्यों नहीं डाल पर अपने वीडियो लगातार चैनल पे है। तो फ्रेंड्स, हाँ, कुछ बताना चाहूँगा, स्पेशल न्यूज़। आप जानते ही नहीं जानते, आपको दिख ही रहा होगा, माय हीरो एकेडमी है, हिंदी तमिल वाला लैंग्वेज में आ रहा है, कार्टून नेटवर्क पर आ रहा है और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सीजन कम्प्लीट हो चुका है 13 एपिसोड्स का, और अगला सीजन भी जल्द से जल्द आ सकता है। इसलिए वो कार्टून नेटवर्क पर आ रहा है और भी मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार एनिमी और एनिमेटेड सीरीज भी। एनिमेटेड सीरीज का मतलब है बैटमैन एनिमेटेड सीरीज, जो काफ़ी अमेजिंग सीरीज है और बेस्ट ऑफ द वन बैटमैन एनिमेटेड सीरीज है। ये बेस्ट बैटमैन है और हिंदी वॉइस मेरे को काफ़ी पसंद है। ये बेस्ट हिंदी वॉइस है बैटमैन की, सच में बेस्ट है। और इसके अलावा बताना चाहूँगा मैं आपको, ये बैटमैन एनिमेटेड सीरीज डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की कमबैक है, यानी डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स भी दिखा सकते हैं अच्छे से, जैसे कि बैटमैन के अलावा सुपरमैन एनिमेटेड सीरीज, जस्टिस लीग, बैटमैन बियॉन्ड और इसके अलावा कुछ मूवीज भी, और इसके अलावा और भी नई एनिमी आएंगे। और आप खेलना चाहते हैं इसकी गेम, आप खेल सकते हैं वेरी इजीली। बस आपको मेरी प्लेलिस्ट के ज़रिए जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा PS2 ऑन PC कैसे खेल सकते हैं मेरे लिए। तो PlayStation 2 में अगर PC है तब खेल सकते हैं इजीली गेम PlayStation 2 की, और डॉल्फिन इमलर की भी चला सकते हैं, डॉल्फिन इमलर के जरिए भी उसकी भी गेम है, क्लब गेम की। तो बैटमैन वेंजर्स बहुत अमेजिंग गेम है और ये वाकई बहुत अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है कि वाकई मेरे होश उड़ गए इस गेम को खेल के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी अच्छी खासी वजह यह है कि यह गेम मुझे हार्ड लगी, सही में मुश्किल गेम है काफ़ी, थोड़ी इजी मोड हो या हार्ड मोड पर इजी मोड ही कंप्लीट करने में काफ़ी मुश्किल है। तो गेम बहुत अच्छी है बैटमैन एनिमेटेड सीरीज, अच्छे खासे ग्राफिक्स साथ और एक्शन एडवेंचर गेम है, जस्ट लाइक तुम भी इसमें लगोगे कि लगता है तुम बैटमैन हो। और बता करते हैं अगले कार्टून वाले गेम खेल सकते हो वेरी इजीली, यह बैटमैन का अगला पार्ट, इसी के बाद बैटमैन राइज ऑफ द जो भी मैंने आप गलत बोल दिया तो माफ़ करना। तो ये भी काफ़ी अमेजिंग गेम है, ये फाइटिंग गेम, और उसके अलावा इसमें बैटमैन अकेला नहीं है, बैटमैन बैट फैमिली भी है, और एक्शन एडवेंचर गेम है मल्टीप्लेयर ऑप्शन के साथ, तो रहा मल्टीप्लेयर नहीं था जो पहले बताया मैंने। तो ये मेरे तौर गेम है, तो आपको ट्राई करनी चाहिए दिस गेम, वेरी एपिक एडवेंचर की। उसके अलावा लीगो बैटमैन, ये भी बैटमैन एनिमेटेड सीरीज इंस्पायर गेम है, लीगो बैटमैन बहुत फेमस गेम है, बहुत ज़्यादा फेमस। तो आपको बताना चाहूँ मेरा सिस्टम है थोड़ा ख़राब, वजह से मैं नहीं कर सका वीडियो, नहीं इसी वजह से नहीं आ रही मेरे चैनल में लंबी है थोड़ी वीडियो, मतलब अच्छी खासी वीडियो नहीं आ पा रही, इसलिए शॉर्ट्स बनाना पड़ते हैं। मेरा PC भी थोड़ा गड़बड़ है, समझ रहे हो ना, बहुत दिक्कत है। तो एक ये भी गेम है, एक PS2 की जो आप खेल सकते हैं, पर ये बैटमैन अलग ही बैटमैन है, डार्क टावर और सिर्फ बैटमैन काफ़ी ज़्यादा अलग है, सिर्फ ग्राफिक्स भी बहुत ही अलग है, ये भी एक बैटमैन गेम है। ये भी गेम आप डॉल्फिन इमलर के जरिए चला सकते हैं, अगर डॉल्फिन इमलर के जरिए गेम क्लब गेम डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं डाउनलोडिंग के लिए और गेम कैसे आप चला सकते हैं पहले बता रखा था, आप जल्दी जल्दी प्ले स्टोर के जरिए देखिए, पर वीडियो भी खत्म नहीं, जाना नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी तो आपके लिए सरप्राइज है, जैसे कि बैटमैन बिगेंस, और ये गेम भी सही मायने में बहुत अच्छी गेम है, मूवी इंस्पायर गेम, पर इसमें बैटर रैंक्स फिल्म के ऊपर नहीं फेंकते बस, और बैटमैन की कॉस्ट्यूम भी है, कस्टमाइज ऑप्शन बैटमैन की अदर कॉस्ट्यूम भी है इसमें, काफ़ी मजेदार बैटमैन बिगेंस। और ये भी डॉल्फिन इमलर में भी अवेलेबल है गेम क्लब। तो इसके अलावा और भी गेम का जो है सुपरमैन बोनस वीडियो छोटे छोटे वीडियो है सब, मैं गेम प्ले मैंने के ऊपर बना रखे हैं बहुतों के ऊपर, पर जिसके ऊपर नहीं बनाया उस पॉइंट के ऊपर भी नहीं बनाया है, पर कोशिश करूँगा जल्द लाने की, कोशिश तो है जल्द जल्द इसका गेम प्ले लाने की। पर बैटमैन एनिमेटेड सीरीज के आप गेम प्ले देख सकते हैं, और बैटमैन बिगिंस की बैट मूवेल, और सभी गेम में बैटमैन की बैट मूवेल है, चलती ना पता लगा है, मतलब चल गया सब में। और ये है बैट सुपरमैन की गेम, जिसको ये भी कार्टून नेटवर्क पे है, अगर आने वाला है जल्द से जल्द तो इसकी भी गेम आप खेलना चाहेंगे PS2 में इजीली, बैटमैन सुपरमैन एनिमेटेड सीरीज, गलत बोल दिया था, क्रॉसओवर इतना होता है पता नहीं चलता,
और सुपरमैन रिटर्न्स मूवीज स्पायर गेम और ये बेस्ट है। और इमलर इसमें यूज होगा PCX2 1.7 वर्जन, उसी पे चलता है और किसी पे नहीं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ मेरी वीडियो पूरी देखी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि कुछ गड़बड़ी है चल रही है मेरे साथ, वैसे वीडियो नहीं आ पा रही टाइम से। और हाँ मैंने कमेंट मैंने पढ़ा था, मेरे दोस्तों कमेंट आए थे सब्सक्राइबर्स का, तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट। पर वीडियो आएगी ये जरूर पक्का है। और ये है एक जस्टिस लीग हीरोज, जस्टिस लीग हीरोज प्लेंटेशन 2 में, जिसमें सुपरमैन बैटमैन है। और इसमें काफ़ी एनिमेटेड सीरीज वाले ही है, मतलब एनिमेटेड सीरीज नहीं है, हीरोज एक तरह से बस में अलग है। पर इसमें एक्शन एडवेंचर गेम है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अलग गेम है उनसे, अलग है वो ज़्यादा अच्छी लगी। ये थोड़ी सी कम कम अच्छी कम लगे, पर सुपर हीरो गेम है तो उसको भी लाना ही था, और ये मुझे भी पसंद है वाली गेम। उसके अलावा जो मैं गेम नहीं लाया हूँ कार्टून की, वो है टीन टाइटन्स, वो भी गेम है प्लेटेशन 2 में और अदर इमलर्स में भी, और एक्सबॉक्स में भी सुपरमैन गेम है, उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो को करने का आगे एंड यहीं तक था। आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट करते रहिए अपने इस चैनल को, आप चैनल का नाम जानते ही हैं, बताने जरूरत नहीं है, सम्राट गेम भी कही। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, और सपोर्ट करते हैं चैनल को, फिर मिलते हैं जल्द से जल्द।